हंसने लगी और सभी को पकड़कर अलग अलग जगह पर बंदी बना देती है। फिर एलोरा के साथ थी और उसे कहती है मुझे अपने दोस्त की फिक्र हो रही है, वो कहीं उसे मार ना दे क्योंकि उसे सबसे अलग बंदी बनाया हुआ है। एलोरा उसे तसल्ली देती है कि कुछ नहीं होगा और छड़ी दिखाते हुए कहती है कि इसी मैंने जादूगर से चुरा लिया है, इसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। जादूगर को यहाँ पर एक छोटा सा घर नजर आता है जिसमे छोटे छोटे लोग रह रही थी, इतने छोटे कि उनका साइज बमुश्किल हाथ जितना था। जादूगर का छोटा सा दोस्त उसे एक नक्शा देता है जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सकती थी। छड़ी दिखाते हुए कहती है कि इसी मैंने जादूगर से चुरा लिया है जिसकी मदद से वो जादू करने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो जादू कर भी लेती है और किट के साथ जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी देखिए लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, दोबारा से इन्हें पकड़ लिया जाता है। तभी इधर कबीले की लीडर भी आ गई लेकिन पीछे से किट की दोस्त आकर उसे पकड़ लेती है और गर्दन पर चाकू रख देती है। इसी तरह लीडर खुद को आजाद करके किट की दोस्त से लड़ने लगती है। किट की गर्दन पर एक निशान बना देख लेती है, रुककर फौरन उसे अपने टेंट में आने का कहती है। किट की दोस्त जब लीडर से मिलने की तो वो बताती है कि देखो जैसा निशान तुम्हारी गर्दन पर है मुझ पर भी बिल्कुल वैसा ही है और ये हमारी कबीले में तब लगाया जाता है जब बच्चा 100 दिन का होता था, जिसका मतलब है कि हम एक ही फैमिली से हैं और तुम मेरी बहन हो जिसे बचपन में कुछ लोग उठा कर ले गए थे। तभी यहाँ मॉन्स्टर्स आकर दोबारा हमला कर देते हैं जिनका मुकाबला ये लोग काफी डट कर करते हैं और एक को तो कैदी मार भी देता है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर खुद को पड़ा हुआ पाता है। वो निकलने का सोच रहा था पर तभी उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी गई जो और किसी की नहीं बल्कि क्रोन की थी। उधर बड़े क्रिएटर्स जिन्होंने किट और जादूगर को पकड़ लिया था उन्हें अपने ठिकाने पर लाए। यहाँ एक और आदमी भी बंद था जिसे बड़े क्रिएटर्स ने कैद किया था। वो इन्हें कहता है कि तुम यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाओगे क्योंकि जब मुझे यहाँ लाया गया था मुझे लगा था कि मैं आजाद हो जाऊंगा पर देख लो इतने सालों के बाद मैं आज भी यही हूँ। यहाँ वो अपने बारे में बताता है कि मैं चोर का साथी हूँ इन्हीं किट के डैड का। उधर कैदी और बाकी लोग किट और जादूगर को ढूंढने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। बड़े क्रिएटर्स ने भी किट को तकलीफ देना शुरू कर दी थी क्योंकि वो जानना चाहते थे कि एलोरा कहाँ पर है, वो उसे कीड़े खिलाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही ये भी कह रहे थे कि क्लोन हमारी रानी है वो बहुत अच्छी है, जैसा तुम उसे समझते हो वो बिल्कुल वैसी नहीं। और तभी इधर कैदी और बाकी लोग आ जाते हैं और बड़े क्रिएटर्स को पता चल जाता है कि बाकी लोग यहाँ आ गए हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए क्रिएटर्स चले गए। इस दौरान किट ने खुद को और अपने डैड के चोर साथी और जादूगर को भी छुड़ा लिया था। कैदी और बाकी लोग जब आगे बढ़ रही थी तो अपने चेहरों पर मास्क पहन लेती हैं ताकि क्रिएटर्स हमें पहचान न सके। क्रिएटर्स उन तक पहुँच तो गए थे पर मास्क होने की वजह से पहचान नहीं पाते। कैदी एलोरा और किट की दोस्त को जैसे ही जगह पर लेकर आया यहाँ पर चोर भी किट और जादूगर को लेकर आ गया। सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे और एक खुफिया दरवाजा खोलने का फैसला करते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद खजाना है। पर अंदर जाने से पहले इनसे दो पहेलियाँ पूछी जाती हैं जिनका सही जवाब दिया तो ठीक है, ना सही दिया तो मौत। पर ये काफी सोच समझकर सही जवाब देकर अंदर आ ही गए। सच में यहाँ बहुत सारा खजाना था और यही पर वो जादुई कवर भी था जिसे कैदी ले लेता है। किट को यहाँ अपने डैड की तलवार देखी वो काफी दुखी हुई, तलवार तो वो ले लेती है मगर इसी के साथ उसे अपने डैड की आवाज भी सुनाई देने लगी जिसका पीछे करके वो जाने ही वाली थी पर एलोरा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। और अब जब ये यहाँ से जाने लगे इनके सामने बड़ी क्रिएचर्स आ जाती है, दोनों तरफ से जोरदार हमला हुआ इसीलिए ये यहाँ से भागकर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इस जगह के नीचे बहुत सारा पानी था, ये लोग किट को बचाने की काफी कोशिश करते हैं। एलोरा भी अपनी छड़ी से जादू करती है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया था जहाँ से किट नीचे गिरी थी। उधर प्रिंस जिस इंसान जगह पर फंसा हुआ था पर घूमकर दोबारा से उसी जगह पर ही आ रहा था, वो थक हार कर बैठ गया कि तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रिंस ने उसे बता ही दिया कि हमें यहाँ मॉन्स्टर्स उठाकर लाए हैं, मैंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की पर बार बार इसी जगह पर आता गया। एलोरा बार बार अपना जादू कर रही थी फिर आखिरकार कामयाब हो ही गई थी, ये चलना शुरू कर दी थी। काफी दूर आने के बाद इन झोपड़ी के अंदर गई जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जिनसे कह रहा था कि अगर तुम्हें समुद्र के उस पार जाना है तो मैं तुम्हें अपनी कश्ती दे दूंगा जो बहुत बड़े समुद्री जानवर की मदद से चलती है, लेकिन हाँ इसके लिए मुझे पैसे चाहिए जिसके लिए ये लोग मान भी गए। उधर प्रिंस की जब आँख खुली तो लड़की उसके सामने नहीं थी, ढूंढने पर उसे एक जगह पर खड़ी हुई मिली, कहती है कि हमें इस पीले रास्ते के उस पार जाना चाहिए शायद यही सही रास्ता हो। लेकिन प्रिंस को अजीब लगा, वो सारे लोग अभी झोपड़ी में ही थे कि तभी यहाँ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तब उनसे बचने के लिए ग्रेडन सबको देता है और फौरन कश्ती में बैठकर यहाँ से निकल पड़ता है जो कश्ती समुद्री जानवर चला रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं उनसे लड़ते हैं, एलोरा तो जादू भी करती है पर कोई फायदा नहीं होता। तो अब ग्रेडन जैसे ही अपनी बांसुरी बजाता है हवा में ये मॉन्स्टर फट जाती है, इसके बाद जैसे तैसे ये बाकी मॉन्स्टर से भी पीछे छुड़वा लेते हैं। ग्रेडन ने बांसुरी से जादू किया था मतलब कि वो भी एक जादूगर था।
ग्रेडन समुद्री जानवर को खाना खिला रहा था और यहाँ पर एलोरा भी ज्यादा सीख रही थी। अलग अलग तरह की बहुत सारी जादू वो करती भी है। उधर वो लड़की प्रिंसी अजीब तरह की बातें कर रही थी, कहती है मैं तुमसे पहले यहाँ आई। प्रिंस को शक हुआ, वो पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ लाई हो, जिस बात का वो कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है छोड़ो सब बस चुपचाप मेरे साथ चलो। प्रिंस को गड़बड़ लगी, फौरन वहाँ से भागने लगता है। अब जादूगर को लग रहा था कि उसके बेटे खतरे में है तो वो जाने का फैसला करता है, पर एलोरा ये कहकर मना कर देती है कि नहीं अभी ही रहो, हमें आपकी जरूरत है। ऊपर से अभी लोगों को पैदल ही सफर करना था क्योंकि समुद्री जानवर बीमार हो गया था। वो लोग आगे बढ़ ही रही थी कि उनके सामने एक खाई आ जाती है जिससे वो लोग समझ गए कि हम रास्ता भटक गए हैं। किट और एलोरा नीचे खाई में कूद जाती है। काफी नीचे आने के बाद ये यहाँ से बाहर आकर आसपास देखने लगती है। वो शहर देखे जाता है जहाँ पर प्रिंस है। प्रिंस लड़की